हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संजना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। सो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपके साथ एक फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ। वो फेस पैक है ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले, कोई भी लगा सकते हैं। सो सबसे पहले लेंगे एक मुल्तानी मिट्टी, जो कि मैंने खादी की ली है। खादी के प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड ये 15 रुपये में आपका फेस पैक बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। एंड एक मैंने कटोरी लिया है, एक चम्मच लिया है। सो आप इसको बाउल भी बोल सकते हैं, स्पून भी बोल सकते हैं। सो मैंने एक चम्मच जो है वो है ली है मुल्तानी मिट्टी, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने और लिया है क्योंकि हमें दो लोगों को लगाना था। एंड ये है 15 रुपये का पतंजलि का एलोवेरा जेल। सो आप कोई भी, आप अगर जो ओरिजिनल एलोवेरा जेल आते हैं प्लांट्स से, वो आप ले सकते हो प्लांट्स अगर आपके यहाँ लगे हुए हैं, बट मेरे यहाँ नहीं है। सो मैं इसी से काम चलाना मुझे पड़ता है। एंड मैंने इसको अच्छे से ले लिया है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ एंड थोड़ा सा मैं देख रही हूँ ना, तो थोड़ा सा देखो कैसे। इसको मिक्सअप करने के बाद मैं थोड़ा सा लूँगी ये कोकोनट ऑयल। अगर आप कोकोनट ऑयल लेना चाहते हो, कोई सा भी ले सकते हो, बट ये मैंने एक्चुअली मुझे ब्रांड नहीं आता, बट काफ़ी अच्छा कोकोनट ऑयल है। आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हो, ले सकते हो प्रोडक्ट जो भी हैं। सो इसको मैंने थोड़ा सा डाला। अगर आपकी ड्राई स्किन है एंड आजकल जो मौसम है वो थोड़ी खिंची खिंची सी स्किन लग रही थी, इसलिए मैंने ये फेस पैक बनाया है। सो आप अगर डालना चाहते हो तो ऑप्शन नहीं है, डाल सकते हो। एंड थोड़ा सा मैंने वाटर ऐड किया था, रोज़ वाटर, बट वो स्किप हो गया, आपको नहीं दिखा पाई। बहुत थोड़ा सा ऐड किया था कि एक अच्छा सा पेस्ट टाइप में बन जाए। एंड मैंने पेस्ट बना लिया। उसके बाद मैंने फेस वॉश करके डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लिया अपने फेस पे एंड फिंगर की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। और इसे 15 से 20 मिनट आप रखिए और उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हो। सो देख, आपको एक बहुत अच्छी सी स्किन मिल जाएगी। एंड ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है एंड कोकोनट ऑयल जो होता है, वो आपकी स्किन को ब्राइट भी करता है, ग्लो भी ऐड करता है। कोकोनट ऑयल और मुल्तानी मिट्टी जो है वो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन अप करती है, गोरा बनाती है। और आपकी जो स्किन नहीं होती है वो खिचखिची सी लगती है या फिर लटक जाती है, उसको स्किन को टाइट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारा मुल्तानी मिट्टी। सो मुल्तानी मिट्टी के बहुत सारे काम हैं। एंड इसको अच्छे से फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ मैं। एलोवेरा जेल हमारे फेस को ठंडक एंड मॉइस्चराइज़र दोनों ही करता है। और ये मैंने पूरे फेस पे लगा लिया, ऐसे आपको अप्लाई करना है। एंड इसको मैं सुखा रही हूँ, आपको सुखाने के बाद मैं मिलती हूँ। एंड ये देखिए, ये ड्राई हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया है, नहीं तो स्किन बहुत खिंच जाती है, इसलिए मैं इसको वॉश कर ले रही हूँ 20 मिनट बाद। एंड मैंने इसको वॉश कर लिया, आप लो मेरे फेस पे देख सकते हो। एंड इसके बाद आपको 24 घंटे फेस वॉश नहीं यूज़ करना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो ये देखो, सो गाइस, ये था फेस पैक जो कि ड्राई स्किन वाले बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड उस उनकी स्किन पे एक ग्लो रहेगा, एक मॉइस्चराइज़र रहेगा। जैसे कि मेरी स्किन काफ़ी डल डल फील हो रही थी, काफ़ी ड्राइनेस थी मेरी स्किन पे, बट मैंने इसको लगाया और काफ़ी ग्लोई सी स्किन हो गई, जिसे आप लोग देख सकते हैं कितनी ग्लो कर रही है ना स्किन। ये नेचुरल ग्लो है। एंड इसमें सिर्फ 3 चीज़ें जो मैंने यूज़ की है ना, वो रामबाण उपाय है आपके लिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या नॉर्मल या ऑयली है, ऑयली है तो आप कोकोनट ऑयल स्किप कर दीजिएगा, वरना आप यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी और एलोवेरा जेल एंड कोकोनट ऑयल और मुल्तानी मिट्टी मैंने यूज़ किया है। सो गाइज, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करिएगा। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मैं आपके लिए बहुत जल्दी नया वीडियो लेके आऊँगी। एंड हाँ, अब मैं रेगुलर वीडियोज़ पोस्ट करूँगी। एक्चुअली मेरी शिफ्टिंग का चल रहा था, इसलिए मेरी वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी आप लोगों के पास, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि जैसे मैं पहले कंटिन्यू वीडियोज़ डालती थी वैसे मैं डालूंगी। सो बहुत हो गई बातें, अब मैं चलती हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। सो बाय बाय।